Hello students, welcome all. Today we shall discuss about abnormal primary structures in dicots. Dicot के स्टेम में आपको आज बताया जाएगा कि abnormal primary structure या इसी को anomalous भी बोला जाता है, अब सामान्य primary structure कौन कौन से दिखाई देते हैं. तो सबसे पहली बात तो ये जानिए कि there is a difference between normal and abnormal condition. जब नॉर्मल केस की बात करते हैं तो जो आपका डाइकॉट स्टेम का जब सेक्शन काटेंगे तो वैस्कुलर बंडल विल बी फाउंड इन ए रिंग, इस प्रकार से एक रिंग में होंगे नॉर्मल कोर्स में, ठीक है. और यदि मोनोकॉट का सेक्शन काटेंगे तो इसमें इस प्रकार से रहेगा, वैस्कुलर बंडल विल बी स्केटर्ड हेयर एंड देयर, ठीक है. Means there is a difference between dicot and monocot stem. In case of dicots, always vascular bundles are found in a ring. लेकिन suppose यदि मान लीजिए कोई deviation आपको दिखाई देता है, any deviation in primary structure of stem anatomy is called as anomalous structure or abnormality in primary structure. मीन्स किसी भी प्रकार का विचलन दिखाई देता है आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर में जब सेक्शन काटते हैं, स्टेम की एनाटॉमी देखते हैं, तो उसको एनामेलस स्ट्रक्चर कहा जाएगा. जैसे एग्जांपल के लिए सपोज मान लीजिए मोनोकॉट स्टेम का आप सेक्शन काट रहे हैं और यदि उसमें वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन ए रिंग, तो मान के चलिए कि मोनोकॉट्स में जो नॉर्मल फीचर है वो तो वेस्कुलर बंडल स्केटर्ड होना चाहिए वहाँ पर. अब क्योंकि वहाँ पर किस क्या दिखाई दिया, रिंग में दिखाई दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड एबनॉर्मलिटी. तो सबसे पहली बात हम देखें, इन केस ऑफ डाइकॉट्स ऑकरेंस ऑफ स्केटर्ड वेस्कुलर बंडल इन डाइकॉट्स. यदि डाइकॉट का जब सेक्शन काटेंगे इस प्रकार से और यदि वेस्कुलर बंडल यदि रिंग में नहीं है और स्केटर्ड है हियर एंड देयर, देन इट इज़ कॉल्ड एबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है. और ठीक अपोजिट यदि मोनोकॉट्स में हैं, वहाँ पर यदि रिंग में दिखाई दे रहे हैं वैस्कुलर बंडल, तो दैट मीन्स इट इज़ एबनॉर्मल कंडीशन. तो एक एग्जांपल बताएं डाइकॉट्स में, पाइपर हो गया, पेप्रोमिया हो गया, निम्फिया हो गया, ये सब डाइकॉट्स हैं. इनका जब सेक्शन काटेंगे तो वंडरफुल हो जाएंगे आप कि यहाँ पर स्टेम के एनाटॉमी में आपको वैस्कुलर बंडल्स जो हैं दे आर फाउंड इन स्केटर्ड कंडीशन, नॉट इन ए रिंग, ठीक है. और वहीं पर यदि गेहूं के ट्यूबुलर स्टेम में या ग्रासेस में घास में का सेक्शन काटेंगे तो वहां पर पाएंगे कि वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन ए रिंग, तो वहां पर भी आपको आश्चर्य होगा कि मोनोकॉट में तो वेस्कुलर बंडल कैसे होना चाहिए, स्केटर्ड होना चाहिए. तो ये एबनॉर्मलिटी कहलाती है. मतलब नॉर्मल से हट के यदि कोई आपको डेविएशन दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मलिटी. उसी प्रकार से हमको जो कोर्स में है सेकेंड ईयर में पढ़ाना है आप लोग को, वो है बोरविया डिफ्यूज़ा में, निक्टेंथस में और कैजुराइना में. तो यहाँ पर मेडुलरी वेस्कुलर बंडल का पाया जाना, जनरली वेस्कुलर बंडल कहाँ पाए जाते हैं, स्टीलर रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है. वैन दे आर फाउंड इन मेडुलरी रीजन या मेडुला में या पिथ में पाए जाएंगे, देन वेस्कुलर बंडल इज कॉल्ड मेडुलरी वेस्कुलर बंडल, ठीक है. नॉर्मल बंडल तो पाए जाएंगे, लेकिन इन एडिशन टू नॉर्मल वेस्कुलर बंडल इफ दे आर फाउंड इन मेडुलर रीजन, देन इट दे आर कॉल्ड मेडुलरी वेस्कुलर बंडल. अभी डायग्राम दिखाएंगे, ये होता है बोरविया डिफ्यूजा में, ठीक है. और यदि उसी प्रकार से स्टीलर रीजन के अलावा यदि कॉर्टेक्स रीजन में दिखाई दे रहे हैं सपोज, तो दे आर कॉल्ड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल, ठीक है. तो अलग से रटने की जरूरत नहीं, मेडुलरी रीजन में वेस्कुलर बंडल है तो मेडुलरी वेस्कुलर बंडल, कॉर्टेक्स में है तो कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल, ठीक है. एग्जांपल याद जरूर करेंगे, निक्टेंथस में जिसको पारिजात भी कहा जाता है, हर सिंगार का पौधा है, तो ये निक्टेंथस का जब सेक्शन काटेंगे ये इजिली मिल जाएगा. और उसको आप लेके काट के देखिए तो वहाँ पर आपको पहले ही से आउटलाइन में ही तो दिखाई देगा स्क्वेरिस शेप ऐसा, ठीक है. और यहाँ ये कार्टेक्स है, यहाँ पर एक एक बंडल दिखाई देगा, हर एक एक इस प्रकार से चार कार्टिकल वेस्कुलर बंडल, वो भी उल्टे रहेंगे, इन्वर्सली ओरिएंटेड रहेंगे. अभी चित्र में दिखाते हैं, ठीक है. और कैजुराइना जो प्लांट है, जीरोफिटिक नेचर का है,
इसमें भी कॉर्टेक्स रीजन में आपको वैस्कुलर बंडल दिखाई देंगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट, और उसी को लीफ ट्रेस बंडल भी कहा जाता है। तो ये हमने आपको कुछ जानकारी दी। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आपके कोर्स में नहीं, फिर भी बता देते हैं। यदि मान लीजिए, क्योंकि एंजियोस्पर्म का फीचर है कि जाइलम में क्या पाया जाता है, वेसल्स, ठीक है, और यदि वेसल्स नहीं पाया जाता किसी प्लांट्स में एंजियोस्पर्म होते हुए भी, तो भी क्या हो गया, एक प्रकार से एबनॉर्मलिटी इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो कुछ एग्जांपल याद रहना चाहिए, डीजेनेरिया, ड्राई मेस, ट्रोकोडेंड्रॉन, ये आपको आईएस लेवल तक में पूछा जाता है यदि लेंगे बॉटनी वगैरह तो, कैसे कौन कौन से एंजियोस्पर्म्स हैं जिनकी प्राइमरी स्ट्रक्चर में आपको जाइलम में वेसल नहीं दिखाई देगी, तो बताना होगा ड्राई मेस, ठीक है, डीजेनेरिया और ट्रोकोडेंड्रॉन। उसी प्रकार से फ्लोएम बंडल में, आपके जो वैस्कुलर बंडल में फ्लोएम नहीं पाया जाएगा सपोज, ठीक है, केवल फ्लोएम ही नहीं है वहाँ पर, तो वो भी एक एबनॉर्मल फीचर हो गया, ये पियोनिया में होगा एग्जांपल, ठीक है। और इस प्रकार से यदि मान लीजिए इंट्राजाइलरी फ्लोएम दिखाई दे रहा है आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर में, पिच पिच के चारों तरफ आपको फ्लोएम के पैचेस दिखाई दे रहे हैं, तो दैट विल कॉल्ड इंट्राजाइलरी फ्लोएम। जैसे ये है मान लीजिए पिच, और पिच में यहाँ पर आपको इस प्रकार से फ्लोएम के पीसेस दिखाई दे रहे हैं रिंग में, ठीक है, तो इसको बोलेंगे इंट्राजाइलरी फ्लोएम। ये लेप्टाडिनिया वगैरह में पाया जाता है। तो ये प्राइमरी इन ओरिजिन है, सेकेंडरी ओरिजिन नहीं। सेकेंडरी ओरिजिन में तो आपको इंट्राजाइलरी फ्लोएम दिखाई देगा, इंक्लूडेड फ्लोएम, ये आपको पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने बताई कि ये सब एबनॉर्मलिटी आपको दिखाई देती है इस प्रकार से, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं अपन, छोटा कर देते हैं इसको, ये अब बोरेविया डिफ्यूजा। तो इसको सबसे पहले पढ़ने के लिखने के पहले आपको थोड़ा सा डायग्राम दिखाते हैं। ये देखिए, जब बोरेविया डिफ्यूजा का सेक्शन काटेंगे स्टेम का, तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन थ्री रिंग्स। सबसे बड़ी एबनॉर्मलिटी कि वन रिंग ये हो गया, दिस सेंटर, सबसे सेंटर में है, ये मेडुला रीजन है, पिथ वाला भाग है, यहाँ पर दो बड़े बड़े वैस्कुलर बंडल पाए जाएंगे, ठीक है, दे आर कॉल्ड मेडुलरी वैस्कुलर बंडल बिकॉज दे आर फाउंड इन मेडुला रीजन, ठीक है। फिर उसके बाद मिडिल रिंग देखिए, मिडिल रिंग में वैस्कुलर बंडल यहाँ पर केवल दो हैं, यहाँ पर चार से लेके 12 तक 15 तक हो सकते हैं, ये है मिडिल रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल, ये इस प्रकार से मीडियम साइज के रहेंगे। और इसके बाहर के जो वैस्कुलर बंडल रहेंगे आउटर रिंग में, वो कहला सबसे छोटे होंगे इन दोनों की तुलना में, जिनकी संख्या भी ज़्यादा होगी, 15 से लेके 20 तक वैस्कुलर बंडल होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, बाकी सब चीज़ें तो वही हैं, एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, ये सब तो आप लोग जानते हैं अच्छे से, 10वीं से 11वीं से आप लोग को पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है एबनॉर्मलिटी, तो एबनॉर्मलिटी में वैस्कुलर बंडल तीन रिंग में पाया जाना, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एबनॉर्मलिटी। जनरली स्टीलर रीजन में एक ही रिंग में पाया जाता है वैस्कुलर बंडल, लेकिन यहाँ पर दे आर फाउंड इन थ्री रिंग्स, आउटर रिंग, मिडिल रिंग एंड इनर रिंग। उसके बाद जो सबसे सेंटर में है, दे आर कॉल्ड मेडुलरी वैस्कुलर बंडल, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मेडुलरी बिकॉज दे आर फाउंड इन मेडुलर रीजन। इवन कई बार मिडिल रिंग वाले वैस्कुलर बंडल को भी हम ट्रीट कर लेते हैं एज ए मेडुलरी वैस्कुलर बंडल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देखिए, इसके बाद लिटरेचर बताते हैं कि यहाँ पर बोरेविया जो है, दैट इज़ द मेंबर ऑफ निक्टाजिनेसी, इस फैमिली का नाम है, थोड़ा बड़ा कर दिया, और लिखना है दे आर फाउंड इन थ्री रिंग, जो मैंने समझा दिया था, टू लार्ज वैस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन पिथ कॉल्ड एज मेडुलरी वैस्कुलर बंडल। फिर नेक्स्ट पॉइंट, 6 to 14 वैस्कुलर बंडल्स आर ऑफ मिडिल रिंग एंड स्मॉलर देन मेडुलरी वैस्कुलर बंडल, मेडुलरी वैस्कुलर बंडल से छोटे हैं ये, एंड 15 to 20 वैस्कुलर बंडल्स ऑफ आउटर रिंग्स आर मोर स्मॉलर देन मिडिल रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल। इस प्रकार से तीन रिंग देखी हमने, और जितने भी वैस्कुलर बंडल्स होंगे दे विल बी कंजॉइंट कोलेट्रल एंड एंडार्ज, एंडार्ज मीन्स प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम टुवर्ड्स द पेरीफेरी, एंड दे आर ओपन, ओपन मीन्स देर इज ए कैम्बियम, सभी वैस्कुलर बंडल ओपन है, मीन्स सेकेंडरी ग्रोथ होगी सभी। अब इसके बाद
आपको नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी बताते हैं निकटेंथस की। निकटेंथस जो है इट इज़ ए मेंबर ऑफ ओलिएसी फैमिली और इन एडिशन टू नॉर्मल वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन स्टीलर रीजन। स्टीलर रीजन में जो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं वो तो पाए ही जाएंगे, इसके अलावा व्हेन द वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन कॉर्टिकल रीजन, देखिए कॉर्टेक्स में पाए जाएंगे, दे आर कॉल्ड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल। तो निकटेंथस की सबसे इंपॉर्टेंट मैं फोटो बताया भी था अभी कि चारों कोने में आपको चार वेस्कुलर बंडल मिलेंगे, प्रत्येक कोने में एक एक, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज ए लीफ ट्रेस बंडल। इन निकटेंथस फोर प्रोमिनेंट एंगल्स है कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल, चार प्रोमिनेंट एंगल रहेंगे क्योंकि स्क्वेरिस टाइप का है ये, चारों एंगल में एक एक वेस्कुलर बंडल रहेगा। एंड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल की सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि दे आर इनवर्सली ओरिएंटेड, उल्टे रहेंगे। उल्टे का मतलब द फ्लोएम इज टुवर्ड्स द इनर साइड एंड जाइलम पॉइंटेड टुवर्ड्स आउटसाइड, ठीक है। जैसे होना क्या चाहिए वेस्कुलर बंडल, ऐसा होना चाहिए, फ्लोएम बाहर की ओर, जाइलम अंदर की ओर, ठीक है, बीच में कैम्बियम, लेकिन यहाँ पर उल्टा रहेगा, वेस्कुलर बंडल्स आर इनवर्सली ओरिएंटेड, और यहाँ बताएंगे कि यहाँ पर जाइलम अंदर की ओर है, सॉरी जाइलम बाहर की ओर है और फ्लोएम अंदर की ओर है, इस प्रकार से ये देखिए उल्टा हो गया है। और साथ में ध्यान देंगे कि इसके पीछे स्क्लेरेंकाइमेटस की कैप होगी वेस्कुलर बंडल के पीछे, ठीक है, इस प्रकार से ये बताना है। देन इन केस ऑफ कैज्यूराइना, हाँ अब ये समझ, एक पॉइंट और बताना है कि जब इस प्रकार की कंडीशन होगी, फ्लोएम आपका इनर साइड में है, जाइलम आपका बाहर साइड में है, ठीक है, आउटसाइड में है, तो कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स जो रहेंगे दे आर इनवर्सली ओरिएंटेड, दैट्स वाई दे आर एक्जार्ज, दे आर नॉट एनलार्ज, ठीक है, ये ध्यान रखिए, दे आर एक्जार्ज, एक्जार्ज होंगे, एक्जार्ज में समझ रहे हैं ना, इस प्रकार से रूट का सेक्शन काटते हैं तो आपको मेटाजाइलम टुवर्ड द सेंटर, प्रोटोजाइलम टुवर्ड द पेरीफेरी दिखाई देता है, तो उसको एक्जार्ज बोलते हैं। इन कैज्यूराइना कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स आर प्रोमिनेंट टू रिजेज, ध्यान दीजिए, अब कैज्यूराइना का सेक्शन आपको दिखाया जाएगा जिसमें कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल जो रहेंगे दे आर प्रोमिनेंट टू रिजेज, जैसे वहाँ सेक्शन काटेंगे इस प्रकार से रिज और फरो आएगा, तो रिज के नीचे आपको वेस्कुलर बंडल जो दिखाई देगा, ठीक, वो भी कॉर्टेक्स रीजन में, दैट विल बी कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर वेस्कुलर बंडल इरेक्ट होगा, इरेक्ट का मतलब फ्लोएम बाहर की ओर, जाइलम अंदर की ओर जाएगा, दिखाते हैं भी। और मेनी नंबर, जैसे कॉर्टे, जैसे आपका निकटेंथस में चार ही दिखाई दी, वैसी बात यहाँ पर नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर देयर, तो ये बताना है। इसके बाद आपको डायग्राम दिखाते हैं, ये देखिए दिस इज द डायग्राम ऑफ निकटेंथस, यहाँ पर देखिए सेंटर में पिच, एंड ये आपका जाइलम है और ये फ्लोएम है, सेकेंडरी को स्टार्ट हो चुकी है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये देखिए ये वेस्कुलर बंडल चारों प्रोमिनेंट एंगल में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इसके आउटलाइन स्क्वेरिस है। यहाँ पर देखिए कि ऑल जो बंडल्स हैं दे आर फाउंड इन कॉर्टिकल रीजन, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल, एंड दे आर इन्वर्टेड, जिसमें जाइलम आपको बाहर दिखाई दे रहा है और ये वाइट कलर का जो दिखाई दे रहा है फ्लोएम अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्जार्ज कंडीशन। एक्जार्ज मतलब फ्लोएम के कारण नहीं, एक्जार्ज मतलब ये जाइलम जो रहेगा इसका, ये प्रोटोजाइलम बाहर की ओर हो गया है और मेटाजाइलम अंदर की ओर हो गया है, इसमें ये वाले में, ठीक है। बाकी इसके जो प्राइमरी स्टीलर रीजन के जो वेस्कुलर बंडल हैं ये तो एंडार्च ही रहेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद आपको कैज्यूराइना का भी डायग्राम दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर जो आउटलाइन रहेगी दैट इज नॉट सर्कुलर, दैट इज वेवी, लहरीदार है, ये देखिए रिजेज है, फरो है, रिजेज है, ये देखिए रिजेज दिख रहा है, ये फरो है, फिर रिजेज है, मतलब पूरी जब साइकिल बनाएंगे तो यहाँ पर रिजेज फरो इस प्रकार से आता जाएगा, ये रिजेज हो गया और ये फरो हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि इसमें और कुछ जीरोफिटिक कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि पानी की कमी रहती है और पौधा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर संकन स्टोमेटा पाए जाएंगे फरो में। नंबर वन, पहली बात तो हमने आउटलाइन बताई दिया, रिजेज एंड फरो का पाया जाना, फिर उसके बाद ये जो फरोज हैं यहाँ पर लॉन्ग आपको हेयर्स दिखाई देंगे जिसके द्वारा ये स्टोमेटा भी प्रोटेक्टेड रहेगा ताकि कम से कम पानी बाहर निकल सके और पौधा अपने आप को बचा सके। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर आपको कॉर्टिकल रीजन में कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल दिखाई दे, और ठीक क्या कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं,
रिजेस के नीचे, ये रिजेस फरों के नीचे नहीं, ठीक है, रिजेस के नीचे। और ये सेंटर पोर्शन इज ऑक्यूपाइड बाई पिच, ये सेकेंडरी ग्रोथ शुरू हो चुकी है यहाँ पर। ये सभी वेस्कुलर बंडल्स हैं आपके स्टीलर रीजन के, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह स्टार्ट कर चुके हैं। तो मेन जो बताना है यहाँ पर, ये एक तो जीरोफेटिक कैरेक्टर्स हैं कुछ, और कार्टेक्स रीजन में जो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, दे आर प्रोमिनेंट इन रिजेस एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड लीफ ट्रेस बंडल एंड देर इज ओनली जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम अंदर की ओर दिख रहा है एंड फ्लोएम बाहर की ओर दिख रहा है। और मेनी नंबर, बहुत सारे नंबर हैं, देखिए हर रिज के नीचे आपको एक एक कार्टिकल वेस्कुलर बंडल मिल जाएगा। और दे आर इरेक्ट, सीधे हैं ये, उल्टे नहीं हैं। ये नहीं कि यहाँ पर भी जाइलम बाहर की ओर हो और फ्लोएम अंदर की ओर हो, ऐसा नहीं। यहाँ पर फ्लोएम अंदर की बाहर की ओर और जाइलम अंदर की ओर एंड डार्ट रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये बताया। इसके बाद आपको नेक्स्ट बताते हैं कि लिखना क्या है इसमें। तो लिखना ये है, सबसे पहले एपिडर्मिस, एपिडर्मिस सिंगल लेयर होगी, पेरेन्काइमेटस की बनी होगी, और मैंने पहले ही बता दिया रिजेस फरों का पाया जाना, ठीक है। संकन एस्टोमेटा होंगे फरों में, और ये लॉन्ग मल्टीसेलर हेयर के द्वारा ढके रहेंगे फरो रीजन में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। कॉर्टेक्स की बात करें तो एस्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस है, और आपका क्लोरोफिल कंटेनिंग ग्राउंड टिशू है, जो पेलिसेड पेरेन्काइमा या एसिमिलेटरी सेल कहलाएगा। मतलब एस्क्लेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स और पेरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स विद क्लोरोफिल इसमें दिखाई देगा। लीप ट्रेस बंडल यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, कहाँ पर, आपके रिजेस के नीचे वो आपको बिखरे हुए दिखाई देंगे। दे आर जो आपके जो लीप ट्रेस बंडल हैं उनके बीच बीच में ट्रैकेट्स वगैरह दिखाई देंगे। इसके बाद वैस्कुलर बंडल की बात कर लें, तो वैस्कुलर बंडल हमेशा की तरह दे आर फाउंड इन ए रिंग बिकॉज ऑफ डाइकॉट एट द सेंट्रल रीजन ऑफ स्टेम, स्टीलर रीजन में। ईच बंडल कोलेटरल कंज्वाइंट एंड ओपन टाइप हमेशा। और ध्यान दें, जो बंडल्स हैं यहाँ पर वैस्कुलर बंडल, उनके पीछे बंडल कैप जरूर होगी। जैसे वैस्कुलर बंडल की रिंग है तो स्क्लेरेन्काइमेटस की कैप होगी, ताकि ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी थिक वॉल्ड सेल्स पाए जाते हैं, वो पानी को बाहर जाने से रोकने के लिए है एक्चुअल में, ठीक है। इसके बाद पिच जो रहेगी दैट विल बी डिस्टिंक्ट, बहुत क्लियर होगी एंड पेरेन्काइमेटस होगी, क्लियर, डिस्टिंक्ट बने वेरी क्लियर एंड पेरेन्काइमेटस होगी। इस प्रकार से ये देख लिया। इसके बाद अब इसको, इसमें कुछ विशेष बातें हैं। एडॉप्टिव एनाटॉमिकल फीचर दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द जीरोफिटिक प्लांट। तो इसमें बताना है कि प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल या क्यूटिकुलराइज एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में वेल क्यूटिकल रहेगी, और संकन एस्टिमेट पाया जाएगा फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। दूसरा, एपिडर्मल हेयर्स रहेंगे फरों में, ताकि वाटर का लॉस जो होता है एस्टोमेटा के थ्रू उसको रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एपिडर्मल हेयर्स इन द फरोज टू रिड्यूस एस्टोमेटल वाटर लॉस। और उसके बाद हाइपोडर्मल स्क्लेरेन्काइमेटस टिशू रहेगा, जो कि इसकी मैकेनिकल रिजिडिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। रिजेस के नीचे आपको हाइपोडर्मल स्क्लेरेन्काइमेटस टिशू दिख रहा है, जिससे इसकी मैकेनिकल रिजिडिटी बढ़ रही है, स्थिरता बढ़ रही है। और पेलिसेड एसिमिलेटरी टिशू भी है कार्टिकल रीजन में, जिससे कि इसकी एसिमिलेशन पावर बढ़ेगी स्टेम की, ठीक है। और इसके साथ साथ कार्टिकल वेस्कुलर बंडल तो मैंने बता ही दिया, और कोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल का पाया जाना रिंग में, ये भी डाइकॉट का फीचर दिखाई दे रहा है, जो रिपीट बताया गया है। तो इस प्रकार से ये इसके तमाम पहलू थे जो हमने, आप देखिए सेलुलर डायग्राम का जो समय है तो बनाइए जरूर। इसमें देखिए आपका मिडिल सबसे इनर रिंग के वेस्कुलर बंडल, मेडुलरी वेस्कुलर बंडल बड़े हैं, जिसमें फ्लोएम बाहर, बीच में कैम्बियम बिकॉज ओपन है, और ये प्रोटोजाइलम अंदर की ओर, पिच की ओर, और मेटाजाइलम बाहर की ओर। एंड डार्ट्स हैं वेस्कुलर बंडल कैसे हुए, इसको क्लियर पहचानिए, कंज्वाइंट कोलेट्रल एंड ओपन बिकॉज ऑफ कैम्बियम। और एंडार्ट, एंडार्ट मीन्स प्रोटोजाइलम टुवर्ड द पिच, पिच की ओर दिखाई दे रहा है, मेटाजाइलम बाहर की ओर दिखाई दे रहा है। ये मिडिल रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल हैं, इस प्रकार से थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, देखिए ये भी उसी प्रकार से, इसकी तुलना में देखिए छोटे हैं, दे आर स्मॉलर देन मेडुलरी वेस्कुलर बंडल। ये आपको कैम्बियम दिखाई दे रहा है, ये आपको जाइलम दिखाई दे रहा है, और ये फ्लोएम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी ग्रोथ होगी वो लिमिटेड एक्सटेंट में होगी, वेस्कुलर बंडल की रिंग इसमें नहीं बनेगी ना इसमें बनेगी। इनकी साइज बढ़ सकती बिकॉज ऑफ फेसिकुलर कैम्बियम फाउंड इन दी वेस्कुलर बंडल। इसके बाद
अब आउटर रिंग के, सबसे आउटर रिंग के जो वैस्कुलर बंडल्स जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, 15 से लेकर 20 थी, इसमें भी वही स्थिति है आपका। दे आर कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन एंड डार्ट, सभी वैसे रहेंगे। और इसमें ही कैम्बियम रिंग बनती है। कैम्बियम रिंग बनेगी तो कैसे बनेगी, ये सब इस प्रकार से बनेगी। और इसका फैसिकुलर कैम्बियम और इस प्रकार से फैसिकुलर कैम्बियम के बीच इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, इस प्रकार से कैम्बियम रिंग बन जाएगी। और इस यहाँ पर ही फ्लोएम कटेगा, यहाँ पर ही जाइलम कटेगा, ठीक है। इस प्रकार से बताना है आपको। और ये क्योंकि अभी आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इसमें अपन ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं करते। और ये कैम्बियम रिंग बाद में फिर सीज हो जाती है बाहर की ओर, फिर एक कैम्बियम रिंग बनती है, फिर एक इस प्रकार से सक्सेसिव कैम्बियम रिंग बनती है इन केस ऑफ बोरोविया। तो ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने इसको अभी इसमें केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। और यदि आप लोग चाहेंगे तो बोरोविया की सेकेंडरी ग्रोथ को भी हम बताने की कोशिश करेंगे अगले वीडियोज़ में, ठीक है। और इसके साथ साथ ध्यान रखिए कि यहाँ पर ही रिंग बनेगी और प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल आपको ये वाला एक सेलुलर डायग्राम बना देंगे तो बेटर है, बाकी सब एपिडर्मिस वगैरह सब है। मेन आपको जोर देना है कि ये आपका मेडुलरी वैस्कुलर बंडल, मिडिल रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल, और इससे छोटे वैस्कुलर बंडल जो हैं आपके इधर दिखाई दे रहे हैं आउटर रिंग में, तो इस प्रकार से ये हो जाता है। इसके बाद आपको ये बता रहे हैं कि आप निक्टेंथस का है, निक्टेंथस में ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है फ्लोएम अंदर की ओर, कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल की बात कर रहे हैं, कैम्बियम दिखाई दे रहा है, और मेटाजाइलम टूवर्ड्स दी सेंटर एंड प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स दी पेरीफेरी, बाहर की ओर देखिए एपिडर्मिस की ओर है। तो इस प्रकार से ये जो वेस्कुलर बंडल है इनवर्सली ओरिएंटेड कहलाएगा, ठीक है। और इसके ठीक पीछे थोड़ा सा इनका स्क्लेरेंट कैविटस की कैप दिखाई देगी, क्लियर, फ्लोएम के पीछे, ठीक है, इस प्रकार से। और ये बाकी देखिए, ये प्राइमरी वेस्कुलर बंडल जो था उसमें प्रोटोजाइलम अंदर की ओर है, मेटाजाइलम बाहर की ओर, एंड डार्ट है ये, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, ये कैम्बियम है बाहर की ओर, फ्लोएम काट रहा है, अंदर की ओर जाइलम काट रहा है, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से निक्टेंथस का जो हर सिंगार का पौधा है उसके स्टेम का आप सेक्शन काटिए और देखिए चारों कोने में बहुत ही स्पष्ट रूप से कार्टिकल वैस्कुलर बंडल दिखाई देंगे, इन एडिशन टू नॉर्मल वैस्कुलर बंडल फाउंड इन स्टीलर रीजन, एंड दे आर ये सीधे रहेंगे मतलब एंडार्ट रहेंगे, जबकि ये वेस्कुलर बंडल जो है कॉर्टेक्स वाले एग्जार्ट हैं। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा स्टेम है जिसमें दोनों प्रकार के बंडल पाए जाएंगे, जिसमें एक में एंडार्ट और दूसरा दूसरा एग्जार्ट रहेगा। तो बताना है निक्टेंथस ही एक ऐसा प्लांट है जिसमें बाहर ये एग्जार्ट कंडीशन कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल में, एंडार्ट कंडीशन स्टीलर रीजन में, इस प्रकार से ये हो गया। इसके बाद एक और है लास्ट, कैजुराइना। तो कैजुराइना का भी हमने पार्ट लिया है इस प्रकार से, इसमें देखिए वही चीज़ है, यहाँ पर क्यूटिकल, ये देखिए यहाँ पर क्यूटिकल और एपिडर्मिस और स्क्लेरेंट कैमिटस, कार्टेक्स, हाइपोडर्मिस, और ये देखिए संकन एस्टोमेटा जो हैं दे आर कवर्ड बाई आपका हेयर्स, एपिडर्मल हेयर्स, और ये एस्टोमेटा संकन है। ये जो है लीफ ट्रेस बंडल है जिसमें जाइलम और फ्लोएम दिखाई दे रहा है, इस प्रकार थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, देखिए ये आपका ये देखिए इस प्रकार से ये दिख रहा है, और ये जो वैस्कुलर बंडल हैं ये आपके फ्लोएम बाहर की ओर और जाइलम अंदर की ओर है, एंड डार्ट कंडीशन ही रहेगी, देर इज नो कैम्बियम, ये लीफ ट्रेस बंडल दिखाई दे रहा है, और ये आपका वैस्कुलर बंडल नॉर्मल रिंग के हैं इस प्रकार से। इस चित्र में यही बताने का प्रयास किया गया था कि वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन ए रिंग इन आपका स्टीलर रीजन में, और वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन बिलो दी रिजेस इन कॉर्टिकल रीजन में, और दोनों ही इन डार्क कंडीशन और इरेक्ट रहेंगे, और इस प्रकार से यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया आपका केजुराइना का स्टेम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।